हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान में केवाईसी हुआ है नहीं तो आप अपने से कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना मोबाइल का गूगल क्रोम जो है इसे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर सिंपल आपको पीएम किसान लिख के सर्च करना है गूगल क्रोम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं पीएम किसान। सिर्फ आपको पीएम किसान लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप पीएम किसान सर्च कर देंगे, यहाँ मेरा डाटा बंद था इस कारण से इसका नहीं आया। डाटा को हमने चालू कर दिया, सर्च कर दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान मैंने लिख के यहाँ पे सर्च किए हैं। और जो फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा उस वेबसाइट को आपको विजिट करना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किए हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट जो आया है आपको दिखा दें कि पीएम किसान https://pmkisan.gov.in। यहाँ पर देख सकते हैं इसका यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यही वेबसाइट पे आना है और इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे इस तरह का पूरा पेज खुलता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको सबसे ऊपर में इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिएगा और स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पर eKYC लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर से आप हल्का सा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर हल्का सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पर eKYC लिखा हुआ आएगा। देख सकते हैं आप eKYC जो लिखा हुआ है आपको eKYC पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका eKYC लिखा हुआ है, जैसा eKYC पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंटर आधार नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं इस पर आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखा हुआ इस तरह आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हम जूम करा के दिखा देते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखा हुआ आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह आधार नंबर लिखा हुआ आ गया। अब इसमें आप अपना आधार नंबर पूरा फिल कर दीजिएगा। मैं अपना पूरा आधार नंबर इसमें फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ इसमें कैसे आपको पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा आधार नंबर यहाँ पे दर्ज कर दिए हैं। आपको भी आप अपना यहाँ पर पूरा आधार नंबर दर्ज कर दीजिएगा और जो सर्च वाला बटन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा कि eKYC इज ऑलरेडी डन। यहाँ पे देख सकते हैं eKYC इज ऑलरेडी डन। इसका मतलब आप समझ लीजिए आपका जो KYC है वो डन हो चुका है, मतलब वो आप KYC कर चुके हैं पहले से। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं आपका पीएम किसान में KYC हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो इस तरह ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं eKYC इज ऑलरेडी डन लिखा हुआ आ रहा है ना, आप पहले से इसे कर चुके हैं, ठीक ना। और अगर ये नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए आपका KYC नहीं हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इससे और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।